अस्सलामुअलैकुम हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अभी आगे हैं जी किचन में। एज़ यूजुअल अपना मैंने लेमन वाटर लिया है और इसके बाद डिश वॉशर को अनलोड कर रही हूँ। डिशेस रात को रखी थी और जो बाकी के धोने वाले बर्तन होते हैं वो वापस डिश वॉशर में, बस यही इसकी रूटीन होती है। और आज आपके साथ शेयर करूंगी जी मज़े मज़े की टर्किश रेसिपीज़। यहाँ पे बन रहा है हुमस, उसके लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पे बॉयल्ड चिकपीज, उसमें जाएगा गार्लिक, लेमन जूस और इसमें जाएगी ताहिनी और सॉल्ट, इसमें ऑलिव ऑयल भी जाता है और ढेर सारा जाता है लेकिन मैं नहीं ऐड करी, लेकिन आप उसको ज़रूर ऐड करें। उसमें जाएगा एक आइस क्यूब और इसके साथ ये बड़ी मज़े की इसकी जो है ना वो स्मूथ सी कंसिस्टेंसी आती है। और फारिस इतना क्यूट लग रहा था ना आज, इसकी नानों ने ये इसका ड्रेस पहनाया था और ये इसको निकाल के लेके आया था कि मुझे यही पहनना है। और पता नहीं किसके साथ फ़ोन पे लगा रहता है, ये सारा दिन हेलो हेलो करता रहता है माशाल्लाह से। और अभी यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा बटर, इसमें जाएंगे बॉयल्ड चिक पीस, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह से इसका ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। और इसको ऐड कर देंगे हुमस के ऊपर, इस पर जाएगा सुमक और ढेर सारा ऑलिव ऑयल जो कि मैंने नहीं ऐड किया। यहाँ मैंने ले लिया है बटर, इसमें ऐड कर दिए हैं अनियन और इसमें जाएंगे बेल पेपर्स और ये बन रहा है ग्रीक शक्शुका। टर्किश में जो है वो ओनली टमेटोज़ होते हैं और ग्रीक जो वर्जन है उसमें पेपर्स भी जाती हैं, क्योंकि टर्किश और ग्रीक रेसिपीज़ जो है वो बहुत सिमिलर होती हैं। और इसमें जाएंगे ढेर सारे टमेटोज़, इसमें टमेटो प्यूरे भी ऐड कर सकते हैं, टमेटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें जाएगा हरीसा, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिली पाउडर और क्यूमिन पाउडर और इसको हल्का सा हम करेंगे सौते और बस फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे एग्स। और एग्स आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी ऐड करें। मैंने यहाँ पे 3 eggs लिए हैं और इसके बाद इसको मैं जो है वो लिड से कवर कर दूँगी ताकि ये थोड़े से पक जाएँ। अब इस पर जाएगा चीज़ जो कि मैंने ख़ुद से ऐड किया है, मेरा बस अपना टच देने के लिए और कोरिएंडर गया है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की है और फिर से इसको लिड से कवर कर देंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। यहाँ बन रहे हैं जी पराठे मेरे हस्बैंड के लिए और जारून के लिए, क्योंकि डेफ़िनेटली उनका पराठा के बगैर तो सवाल ही नहीं उठता ना कि वो कोई चीज़ इस तरह से खा लें, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी भल वाला पराठा। और बस बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ये सारी चीज़ें घर में ऑलरेडी होती हैं, हमारा मज़ेदार डिफरेंट सा यम्मी सा हेल्थी ब्रेकफास्ट बन गया। इसमें मैंने लिया साथ ताहिनी और ऑलिव्स और ये ब्राउन ब्रेड टोस्ट कर लिया है और मैंने जो है वो हुमस और जो 1 egg पोर्शन था वो ले लिया था ब्रेड के ऊपर। और फारिस के लिए फिर मैंने जो है वो बना लिए थे उसके ओट्स, क्योंकि वो नहीं खा रहा था, थोड़ा सा उसने ट्राई किया था पर ही वॉज़ लुकिंग फॉर ओट्स क्योंकि उसको वो बहुत पसंद है। ग्रीक और टर्की जो है दे डू शेयर देयर बॉर्डर, सो दैट्स वाई दे डू शेयर देयर रेसिपीज़, देयर कुजीन्स, उनमें बहुत सिमिलरिटी होती है बट डेफिनेटली वो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं अपना। और यहाँ पे मैंने फारिस के लिए बना लिए हैं ओट्स, इसमें मैंने ब्लूबेरीज, मिल्क और ओट्स ऐड करके इसको कुक कर लिया है, इसमें कोई शुगर कोई और चीज़ नहीं जाएगी। ब्लूबेरीज़ की वजह से इसका कलर जो है वो इस तरह से पर्पल पर्पल सा आता है। और इसके ऊपर बस मैंने फ्रूट्स और नट्स और थोड़ा सा स्वीटनर ऐड किया था विच वॉज मेपल सिरप, हनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ऐड कर लिया है बनाना, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, वॉलनट्स हैं और मेपल सिरप। आप किसी भी फ्रूट के साथ ओट्स को कुक कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। And here it is the recipe of baklava as promised। यहाँ पर मैंने ले लिया है बटर, यहाँ पर हैं क्रश्ड नट्स, इसमें गए हैं आलमंड्स और पिस्ताशियो एंड कैशियो नट्स और साथ में मेरे पास पफ पेस्ट्री भी थी तो मैंने कहा वो भी बना दूँ इसके पहले कि वो एक्सपायर हो जाए। और ये फाइलो शीट जो है बकलावा में यूज़ होती हैं, यस दिन मैं टर्की शॉप से लेके आई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था। बस शीट्स को ओपन कर लेंगे और इसको हमने कवर करके रखना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने एक शीट ले ली थी, इसके ऊपर बटर ऐड कर लिया था, बटर को मेल्ट कर लेना है
और उसके ऊपर जो है वो ढेर सारे नट्स ऐड कर देने हैं। यू कैन यूज़ नट्स ऑफ योर चॉइस और व्हाट इज़ अवेलेबल टू यू। और बस इसको हम जो है वो फोल्ड कर लेंगे। आपके पास कोई भी राउंड इस तरह से कोई चीज़ है उसके ऊपर इसको करके फोल्ड करेंगे और इसको दोनों साइडों से पकड़ के अंदर की तरफ पुश करेंगे तो उसके ऊपर यूँ क्रिंकल्स से आ जाएंगे। सो दीज आर द बकलावा रोल्स। इसकी आप कोई भी शेप बना सकते हैं। मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी सो आई वेंट ईजी विद इट क्योंकि मुझे नहीं पता था ये किस तरह का बनेगा। और इसके ऊपर जो रेस्ट ऑफ द बटर था वो हमने इसके ऊपर जो है वो डाल देना है और इसको 180 डिग्रीज पे हमने बेक कर लेना है जब तक ये गोल्डन हो जाए। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी इसका सिरप। यहाँ पे ले लिया है वाटर, इसमें ऐड कर दिया है शुगर और लेमन जूस और शुगर मेल्ट होने तक जो है वो इसको हम बॉयल करेंगे और विल गिव इट अनदर 5 to 10 मिनट्स के थोड़ा सा जो इसका इसकी कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाए। यहाँ ले लिया है बटर और न्यूटेला, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है और पफ पेस्ट्री को मैंने यूँ रोलिंग पिन से रोल कर लिया था। इसके अंदर मैंने जो मैंने बटर और न्यूटेला मेल्ट किया था वो ऐड किया है। आप इसमें शुगर, बटर और सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं। आप इसके सिनेमन रोल्स भी बना सकते हैं लेकिन मैंने जो है वो बटर और न्यूटेला जो है उनको मेल्ट करके ऐड किया था। और बस इसको एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड पर इसको टर्न दे देंगे और इसको कट कर लेंगे इसके लंबे लंबे से स्लाइसेस। और फिर बस इनको यूँ जो है वो हम रोल कर लेंगे ओपन करके, तो इनको रोल कर लेंगे। इस तरह से कटिंग में जो है वो आसानी होती है। और विद इन 8 to 10 मिनट्स हमारा बकलावा रेडी हो गया था और उसमें मैंने शुगर सिरप ऐड कर दिया था। वो क्लिप शूट नहीं हुआ क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं थी और उसके बाद मैंने जो है वो पेस्ट्री भी बेक कर ली थी। सो ये इतना यमी बना था कि आई हैव नो वर्ड्स। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्राई मोर शेप्स एंड मोर फ्लेवर्स ऑफ बकलावा क्योंकि अब मुझे इसकी प्रैक्टिस हो गई है। सो आई होप आज का वीडियो आपने इंजॉय किया होगा। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।